स्टार्टिंग में देखें, अगर आप भी कुछ इस तरीका से डीजे लाइट वाला स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो बिना स्किप किए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो ऐसा बहुत सारा वीडियो बना सकते होंगे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में, ठीक है। बस आप इस वीडियो को इन तक बने रहिएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम पहले से ही काइनमास्टर को ओपन करके रखे हैं, ठीक है। अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो आप अभी डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, 9 और 16 पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से एडिटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ से डिफॉल्ट ड्यूरेशन ऑफ ए फोटो क्लिप है इसको आप पूरा कम कर दीजिएगा, ठीक है। पूरा कम करने के बाद थोड़ा सा एक पॉइंट आपको आगे आ जाना होगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे चलेंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फिल स्क्रीन, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना होगा, उसके बाद डाउन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से जिस जिस फोटो को आपको लगाना है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हमको जो जो फोटो लगाना है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको भी ये फोटो चाहिए तो इसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ से 10-12 फोटो को सिलेक्ट कर लिए हैं, जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसको 2 फिंगर के हेल्प से आप इसको जूम कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप जूम कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप स्टार्टिंग पॉइंट पे चले जाइएगा, फिर यहाँ से फोटो पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा क्लिप ग्राफिक, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। और यहाँ से आपको एक ट्रांजेक्शन इफेक्ट डाउनलोड कर लेना होगा जिसका नाम है इन एनिमेशन, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं इसी इफेक्ट को आपको डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। और इसको डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ से गेट मोड पर क्लिक करके आप वहाँ से ढूंढ लीजिएगा कि कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इन एनिमेशन, ठीक है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ट्रांजेक्शन इफेक्ट देखने को मिल जाएगा 7 नंबर, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको 7 नंबर पे क्लिक कर देना होगा, तो आपके फोटो में कुछ इस प्रकार से एनिमेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से डाउन पे क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ से सेकेंड वाले फोटो पे क्लिक कीजिएगा, फिर वही क्लिप ग्राफिक पे क्लिक कीजिएगा, फिर उसी इफेक्ट में चले आएंगे इन एनिमेशन में, ठीक है। तो चलिए हम उसको क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इन एनिमेशन, ठीक है। फिर इसी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से 9 वाले पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पहले हम 7 पे किए थे, उसके बाद हम 9 पे करेंगे, ठीक है। इसी तरह से बारी बारी से आप 7 9 7 9 करके आप इफेक्ट को लगा लीजिएगा हर एक फोटो में, ठीक है। तो चलिए हम कुछ फोटो में लगा करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो दूसरा फोटो में लगा दिए 9 वाला, ठीक है। फिर यहाँ से डाउन पे क्लिक करेंगे, फिर थर्ड फोटो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से क्लिप ग्राफिक में जाएंगे, फिर यहाँ से इन एनिमेशन में चले आएंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते होंगे, ठीक। इन एनिमेशन में आने के बाद फिर यहाँ से हम 7 नंबर वाला इफेक्ट को चूज कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से 4th नंबर पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिप ग्राफिक, फिर यहाँ से आएंगे इन एनिमेशन में, ठीक है। और फिर यहाँ से हम चूज करेंगे 9 नंबर वाला इफेक्ट, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप बारी बारी से हर एक फोटो में आप लगा लीजिएगा 7 और 9 वाला इफेक्ट, ठीक है। तो चलिए हम तेज़ी में 7 और 9 वाला इफेक्ट सभी फोटो में हम लगा लेते हैं। तो हम बारी बारी से सभी फोटो में लगा लिए हैं 7 और 9 वाला इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से चलिए एक बार आपको प्ले करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो आपके फोटो में कुछ इस प्रकार से एनिमेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जितना फोटो होगा आप यहाँ से ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास इतना फोटो नहीं है तो कोई बात नहीं, जितना है उतना आप सेलेक्ट कीजिएगा और उसमें 7 और 9 वाला इफेक्ट को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा अपने गैलरी में, ठीक है। तो सेव करने के लिए ऐड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ से अपना वीडियो का क्वालिटी देख लीजिएगा, ठीक है। आप कितना क्वालिटी में वीडियो को सेव करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहां से एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहां से आपका जो फोटो का जो वीडियो है बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहां से चलते हैं बैक, बैक आने के बाद इसके एंड पॉइंट पे आएंगे ऐसे ही, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते होंगे, ठीक है। एंड पॉइंट पे आएंगे, हम यहाँ से मीडिया वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जिस वीडियो को हम अभी एक्सपोर्ट किए सेव किए गैलरी में उस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बारी बारी से इस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे जब तक हमारा वीडियो का साइज 20 सेकेंड तक नहीं हो जाता, ठीक है। तो चलिए हम एक बार सिलेक्ट किए, ठीक है। तो हमारा 4 सेकेंड का वीडियो है, फिर इस पर क्लिक करेंगे तो 7 सेकेंड का हुआ, ठीक है। इसी तरह से बारी बारी से आप क्लिक करते रहिएगा जब तक आपका वीडियो का साइज जो है जो 20 सेकेंड नहीं हो जाता, ठीक है। तो हम यहाँ इसको बारी बारी से क्लिक करके इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते होंगे हमारा वीडियो का जो साइज है 21 सेकेंड का हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ से हम डाउन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जब तक आपका वीडियो का साइज 21 सेकेंड नहीं होता है, ठीक है, आप इसको बारी बारी से
ऐड करते रहिएगा, ठीक है। तो हम कुछ इस प्रकार से इसको ऐड कर लिए, ठीक है। उसके बाद इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे, फिर यहाँ से लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मीडिया वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट कर लेना होगा, जिसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम पहले से ही डाउनलोड करके रखे हैं, तो चलिए हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम उस वीडियो को सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद इसको फुल स्क्रीन में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्क्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो ग्रीन स्क्रीन का वीडियो है फुल स्क्रीन में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से बैक वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखने को मिल जाएगा क्रोमा की, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको इनेबल कर देना होगा। इनेबल करने के बाद इसको कुछ इस प्रकार से इसको आगे की तरफ ला दीजिएगा, लगभग 35 आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से डाउन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका वीडियो बन के तैयार हो गया है, जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। तो जितना हमारा ग्रीन स्क्रीन वीडियो है इस पर क्लिक करेंगे, इसके इन पॉइंट पर चले आएंगे, ठीक है। और जो भी हमारा वीडियो एक्स्ट्रा इसको कट कर देंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, कैंची पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्रिम टू राइट अप प्लेहेड पर क्लिक करके इसको एक्स्ट्रा पार्ट इसको कटिंग कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से डन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे चले आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, मीडिया वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको एक लाइटिंग इफेक्ट वीडियो को डाउनलोड कर लेना होगा। उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो चलिए हम उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम उस वीडियो को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद इसको भी फुल स्क्रीन में कर लेंगे, ठीक है। तो स्क्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से बैक वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ब्लेंडिंग का ऑप्शन, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्क्रीन, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। फिर यहाँ से डाउन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर से इसी वीडियो पे क्लिक कीजिएगा, लाइटिंग इफेक्ट वाले पे, ठीक है। इस पर हम क्लिक कर दिए और यहाँ से साउंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको आप म्यूट कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें पहले से साउंड है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको म्यूट कर देते हैं और उसके बाद यहाँ से डाउन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मीडिया वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको बॉर्डर पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना होगा। उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड करके। तो चलिए हम उस बैकग्राउंड पीएनजी को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी फुल स्क्रीन में करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके फुल स्क्रीन में करेंगे और फिर यहाँ से बैक वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से स्क्रीन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से डाउन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और आपका जो बॉर्डर पीएनजी का जो साइज़ है इसको भी इक्वल कर लीजिएगा, जितना कि आपका वीडियो का साइज़ है, ठीक है। तो चलिए हम इसको इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हम इसको भी इक्वल कर लिए, ठीक है। अब ये जो हमारा वीडियो है जो कि बन के तैयार हो गया है, ठीक है। चलिए यहाँ से आपको एक बार प्ले करके दिखा देते हैं। तो आप सब देख लिए होंगे कि ये जो वीडियो है जो कि बन के तैयार हो गया है, काफ़ी गजब का हमारा स्टेटस वीडियो लगने वाला है, ठीक है। तो वीडियो बन जाने के बाद इसको सेव करना होगा, ठीक है। तो सेव करने के लिए यहाँ से एड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर से आप यहाँ से अपना क्वालिटी देख लीजिएगा, जितना आपको रखना होगा रख लीजिएगा। आपसे गुजारिश है कि आप हाई क्वालिटी में कर लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ से एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा अपने गैलरी में, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।